हेलो दोस्तों, कैसे हो। एल्युमिनियम क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आ गया हूँ न्यू वीडियो लेके, और आज मैं आपको बताने वाला हूँ थ्री ट्रैक स्लाइडिंग का विंडो का मटेरियल कैसे कटिंग करते हैं, कितना माइनस करते हैं हाइट में, कितना लेंथ में माइनस करते हैं। तीन शटर का, जैसा कि देख रहे हैं, मैंने ये स्ट्रक्चर बना लिया है आपको समझने के लिए, समझाने के लिए, जो कि 18 mm बाई 40 mm, मतलब पौना डेढ़ का सेक्शन जो रहता है उसका स्लाइडिंग विंडो का मटेरियल कैसे कटिंग करते हैं, और कितना मटेरियल कटिंग होगा, कितना हैंडल कटेगा, कितना टॉप बॉटम कटेगा, और ग्लास का मेजरमेंट कैसे कटेगा, उसका मेजरमेंट कैसे निकलेगा। तो टोटल मैं डिटेल से बताने वाला हूँ। तो जैसा कि मैंने पहले लिख लिया है आपको समझाने के लिए, लिख के समझाता तो आपको टाइम पास ज़्यादा होता, इसलिए मैं पहले लिख लिया। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता, ये तीन शटर है, ये हाइट का मेजरमेंट है 45 3/4, मैंने लिख लिया है पहले ही, ये हाइट का मेजरमेंट है 45 3/4, और ये लेंथ का मेजरमेंट है 71 3/8, मतलब 71 3/8। ओके, अब आते हैं ऊपर की तरफ। तो यहाँ पे मैंने हाइट का मेजरमेंट, मतलब वो हाइट का मेजरमेंट यहाँ पे लिखा है, और लेंथ का मेजरमेंट, ये लेंथ का मेजरमेंट यहाँ पे लिखा है, मतलब विथ, जिसको विथ बोलते हैं, लेंथ भी बोलते हैं। तो लेंथ का मेजरमेंट मैंने यहाँ पे लिखा है 71 3/8। ओके, अब हम हाइट में से 1.5 inch माइनस करते हैं। तो पहले मैंने ये एक फार्मूला अपना लिया, आप भी अपना सकते हैं। इससे क्या रहता है, ये H I मतलब हैंडल इंटरलॉक, और T और V मतलब टॉप बॉटम। तो इससे क्या होता है कि आपको जो हैंडल इंटरलॉक का और टॉप बॉटम का माप निकलेगा वही यहाँ पे लिखना है और वही कटेगा। तो मतलब यहाँ पे ये लिखे रहेंगे तो ये ध्यान में रहेगा कि इससे हमको हैंडल इंटरलॉक का माप काटना है और टॉप बॉटम का माप काटना है, यही है, इस माप से हमारा कटेगा मटेरियल। ओके, तो हाइट में हम लोग 1.5 inch, मतलब हैंडल इंटरलॉक जो कटेगा, तो 1.5 inch माइनस करके करने पे हम लोग का आया है 44 1/4। ओके, मतलब 44 1/4 आया है 45 3/4 में माइनस करने पे 1.5 inch। तो अभी हैंडल इंटरलॉक कितना कटेगा, तो हैंडल 1 और 2, मतलब यहाँ पे लॉक लगता है, इसमें लॉक लगेगा, ये हैंडल है और इसमें लॉक लगेगा, ये हैंडल है। ओके, तो ये हैंडल दो हैंडल कटेंगे, और इंटरलॉक जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे दो हैंडल का इंटरलॉक का मैंने एक सिंपल बनाया, ऐसा फंसता है जो, तो यहाँ पे दो इंटरलॉक लगेंगे, एक पीछे और एक आगे, और यहाँ पे भी दो इंटरलॉक लगेंगे, एक पीछे एक आगे, तो मतलब 2 और 2 4, तो 4 इंटरलॉक और दो हैंडल, आप समझ गए। इस माप से जो हैंडल इंटरलॉक का माप आएगा 1.5 inch माइनस करने के बाद जो आएगा मेजरमेंट यहाँ पे, तो इस माप से हैंडल इंटरलॉक कटेगा, तो 4 इंटरलॉक और 2 हैंडल कटेगा। ओके, तो ये समझ गए। अभी लेंथ का, हम लोग लेंथ का आपको समझा देता मैं, तो 71 3/8 है, तो 71 3/8 में से हम लोग जो लेंथ है, जो इसमें से 8 inch माइनस करते हैं। थ्री ट्रैक अगर स्लाइडिंग बनाना हो तीन शटर का, तो ये शटर है, ये शटर है, ये शटर, एक दो तीन, मैंने तीन शटर का नंबर भी डाल दिया है, और यस से शटर मतलब मैंने लिख दिया आपको समझने के लिए। तो इसमें से 8 inch माइनस करेंगे, तो जब 8 inch इसमें से हम लोग माइनस करेंगे, तो जैसा कि देख लो मैं यहाँ पे लिखा हूँ 8 inch माइनस करेंगे तो 63 3/8 आएगा। तो यहाँ पे मैंने लिख के समझा दिया, पहले यहाँ पे समझा देता आपको, तो यहाँ पे 63 3/8 आएगा, मतलब 63 3/8 आएगा। तो उसमें से हम लोग तीन शटर है, तो तीन भाग करेंगे, मतलब तीन से भाग कर देंगे, तो तीन से भाग करेंगे तो 21 1/8 आएगा, मतलब 21 1/8 आएगा। ओके, तो 21 1/8 मतलब ये टॉप बॉटम का, तो टॉप बॉटम अपना कितना कटेगा, 1 2 3 4 5 6 टॉप बॉटम कटेंगे, इसको बैरिंग बॉटम भी बोलते हैं, लेकिन मैं फिलहाल टॉप बॉटम ही बोलता हूँ, तो 6 बैरिंग बॉटम कटेंगे। ओके, तो समझ गए, इस माप से अपना बैरिंग बॉटम, मतलब इस माप से हैंडल इंटरलॉक, इस माप से बैरिंग बॉटम, तो यहाँ पे हैंडल इंटरलॉक और टॉप बॉटम दोनों लिखा हुआ है। ओके, अब आ जाते ग्लास, फिर इसके नीचे डायरेक्ट ग्लास लिख लेंगे, जैसा कि ये लिखा हुआ है ऐसा ही ग्लास लिख लेंगे, और इसी में से जो हैंडल इंटरलॉक का माप निकाले हैं उसी में से आप 2.5 inch माइनस कर देंगे, तो हाइट का ग्लास निकल जाएगा, और इसमें 5 सूत प्लस करना है, मतलब 5 सूत जो प्लस करते हैं, जैसे कि शटर बनने के बाद बहुत लोग माप लेके और अंदर को माप लेके 5 सूत प्लस करते हैं, तो इसमें डायरेक्ट ये जो टॉप बॉटम का माप आया उसमें 5 सूत प्लस कर देंगे, तो आपका ग्लास का माप आ गया। इसमें 2.5 inch माइनस करेंगे तो 41 3/4 आया है, मतलब 41 3/4 आया है, और इसमें 5 सूत प्लस करेंगे तो 21 3/4 आया है, तो देख सकते हैं 21 3/4, तो ये ग्लास का माप। अब तीन शटर है तो मैंने यहाँ पे बराबर करके तीन लिख दिया है, मतलब तीन ग्लास कटेंगे, तो इस माप से ग्लास कटेगा और इस माप से इंटरलॉक कटेगा, और ये अपना जो माप है स्टैंडर्ड वो माप है। ओके, हाँ, तो दोस्तों अभी ये सब समझ गए
अभी मैं आपको ये बता देता कि ये 71 में से 8 इंच हम माइनस कैसे किए। मैंने तो आपको बता दिया 8 इंच माइनस करते हैं, लेकिन ये भी तो ज़रूरी है जानना कि हम लोग इसमें से 8 इंच माइनस कैसे करते हैं, कहाँ कहाँ से माइनस करते हैं। तो मैं अभी इसके बारे में भी समझाते देता कि 8 इंच कैसे कैसे माइनस करते हैं। तो सबसे पहले देख लेते, ये हैंडल लगता है, यहाँ पे इंटरलॉक लगता है, यहाँ पे इंटरलॉक लगता है, दोनों इंटरलॉक ऐसा ऐसा फंसता है, यहाँ पे भी ऐसा फंसता है, और ये हैंडल लगता है जिधर लॉक लगता है, इधर हैंडल और इधर इधर, मतलब लास्ट में इधर और लास्ट में इधर, दोनों साइड में हैंडल लगता है। तो हैंडल जो सेक्शन होता है, पौना डेढ़ का जो सेक्शन होता है, वो डेढ़ इंच का होता है, डेढ़ इंच मानते हैं, लेकिन आधा सूत बड़ा होता है। ओके, तो डेढ़ इंच ये पकड़ेंगे पहले, फिर डेढ़ इंच ये पकड़ेंगे, डेढ़ इंच ये पकड़ेंगे, डेढ़ इंच ये पकड़ेंगे, मतलब मैंने आपको समझाने के लिए डेढ़ इंच पकड़ रहा हूँ, लेकिन आधा सूत बड़ा होता है। ओके, तो डेढ़ इंच ये प्लस डेढ़ इंच ये हो गया 3 इंच, फिर ये डेढ़ इंच, 4.5 इंच, फिर ये डेढ़ इंच, हो गया 6 इंच। तो पहले तो 6 इंच इसका हम लोग माइनस करते हैं, जो हैंडल इंटरलॉक है उसका 6 इंच माइनस करते हैं। ओके, उसके बाद ट्रैक, जो इधर ट्रैक लगता है, इधर और ये साइड में जो ट्रैक लगता है, उसका हम लोग करते हैं आधा इंच इधर का ट्रैक का और आधा इंच इधर का ट्रैक का। तो हो गया ये एक इंच, आधा इंच इधर, आधा इंच इधर, तो हो गया 6 इंच और प्लस 1 इंच, 7 इंच हो गया। ओके, अभी इधर जो लॉक लगाते हैं, कैंसिल लॉक अपना लगाते हैं, उसका गुटकी जो लगता है, उसका हम लोग 3 सूत पकड़ते हैं, तो 3 सूत इधर और 3 सूत इधर, तो ये हो गया 6 सूत। ओके, तो 6 सूत और प्लस 7 इंच, तो हो गया आपका 7 इंच 6 सूत। ओके, तो 6 सूत ये हो गया। उसके बाद इसमें आधा सूत, इसमें आधा सूत, 1 सूत और इसमें आधा सूत, इसमें आधा सूत, मैंने बताया हैंडल इंटरलॉक आधा सूत बड़ा रहता है, तो आधा सूत ये, आधा सूत ये, आधा सूत ये, आधा सूत ये, तो हो गया 1 सूत 2 सूत, तो 2 सूत ये हो गए, तो टोटल हो गए 7 इंच और 6 सूत था, और प्लस ये हो गया 2 सूत 8 इंच, तो टोटल 8 इंच इस तरह माइनस करते हैं। और ट्रैक जो साइड का कटता है, ट्रैक जो अपना स्टैंडर्ड माप है 45 3/4, इस माप से ट्रैक काटेंगे 45 में, इधर का भी तो ट्रैक ये माप से 71 3/8, तो ये माप से जो माप आपका रहेगा वही माप से ट्रैक कटिंग होता है 45 में। अगर आप 90 में काट रहे हैं तो 90 में आपको काटने के लिए ये नीचे वाला जो है, इससे टॉप और बॉटम, 3 ट्रैक टॉप और 3 ट्रैक बॉटम, ये दोनों इस माप से काटेंगे, लगभग 1 इंच 2 सूत का साइज रहता है, तो 1 इंच 2 सूत, 1 इंच 2 सूत, मतलब 2.5 इंच, मतलब 2.5 इंच माइनस करके 90 में काट रहे हैं, तो ये 2.5 इंच माइनस करके इधर का ट्रैक और इधर का ट्रैक काट सकते हैं। लेकिन क्या है, आउट रहता है, तो आप साइड पे जब लगा रहे हैं तभी मेजरमेंट लेके उसके बाद कटिंग करें तो बेटर रहेगा, इसलिए कि आउट रहता है तो थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है। ओके, तो आप समझ गए होंगे, किसी भाई ने मुझको कमेंट किया था कि भाई मैंने अगले वीडियो में एक बताया था कि 2 ट्रैक में विंडो में कि 1 इंच 5 सूत माइनस करते हैं हाइट में, तो वो भाई सही था, मैंने जो बताया था वही सही था, इसलिए कि मैंने उसमें बताया था कि उस विंडो में ट्रैक में जब ट्रैक जो है फिटिंग करने के बाद आप स्लाइडिंग विंडो जो बनाएंगे वो ऐसा उठा के डाल सकते हैं, तो वो उठा के डालने के लिए उसमें बेटर रहता है। अगर आप उठा के डालते हैं तो आप 1 इंच 5 सूत ही माइनस करिए हाइट में, मतलब ट्रैक फिटिंग कर दिए उसके बाद अगर 1.5 इंच माइनस किए हैं तो जाता नहीं है, तो प्रॉब्लम हो जाता है, तो खोलना पड़ता है। और अगर 1.5 इंच माइनस कर रहे हैं तो आप ट्रैक को पहले ऊपर वाला खुला रखें, पहले स्लाइडिंग विंडो डाल दें, फिर ट्रैक ऊपर का टाइट करें, तो ये ज़रूर बात ध्यान में रखें। तो प्लीज़ कुछ पूछना हो तो प्लीज़ कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई करूँगा। और वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताएं, और मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन ज़रूर दबा लें ताकि मैं ऐसा न्यू वीडियो लेकर आऊँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं, बाय बाय दोस्तों।